Amran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर तलापट्टा भवानी नगर से, जहां पर नाज़रीन जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार डेंगू वायरल फीवर चल रहा है, कई बच्चे बीमार हो रहे हैं और कई बच्चों की मौत वाकई भी हो जा रही है। इसी के चलते वहाँ के कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना ने नुमाइंदगी करते हुए MCH को वार्निंग दी थी और MCH से बात भी की थी कि इस बस्ती में आकर मच्छरों की दवा मारे। तो MCH की जानिब से मच्छर की गाड़ी आई, जो मच्छरों को धुआं फेंकने वाली गाड़ी आती है वो गाड़ी आकर कर मच्छरों की दवा मार रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मच्छरों की दवा मारते हैं तो कितना धुआं उड़ता है, वैसे जब हम भी मासूम बच्चे थे तो इस गाड़ी के पीछे हम भी भागा करते थे। उसी तरह एक मासूम बच्चा जिसका नाम सैयद शरीफ था, जो कि कम उम्र का मासूम बच्चा है, वो इस गाड़ी के पीछे भागने लगा। वहीं पर भागते समय इसके मुंह पर उस इंजन की भाप लग गई, जिसकी वजह से सर को और चेहरे पे थोड़ी सी भाप लग गई। वहीं पर मीडिया ने इसको एक बड़ी इश्यू बना दिया और ये कहा कि बच्चा भी सीरियस है, सीरियस कंडीशन में है, ठीक से देखरेख नहीं कर रही। खैर, MCH की लापरवाही है और सियासी पार्टी की भी लापरवाही है, इस तरह से इल्जाम आयद कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर समीना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरासर गलत अफवाह है, बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बच्चे का ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इस तरह से डॉक्टर समीना ने कहा। आइए हम आपको दिखाते हैं खुसूसी खबर। क्या हुआ मियाँ? मैं आज हॉस्पिटल पे आई हूँ। ये बच्चे के कल अभी मेरे को सर्कल साहब फोन करे, जैसा अकेला मिलते ही मैं नीलम हॉस्पिटल पर आई। जैसा कि सैयद शरीफ बच्चा 12 साल का है, जो भवानी नगर का रहने वाला है, रेलवे ब्रिज का नहीं, वो बच्चे को दूसरों का धुएँ की गाड़ी की तरफ से भाप लगने की वजह से थोड़ा मुँह बने और बाल गंदे थे बच्चे के। मेरे को जैसा एरिया के सरपंच साहब और मोहम्मद भाई इतला दिए, मैं वैसा उनकी वालदा से मिलाई। अलहमदिल्ला बच्चा तो ठीक है, मैं देखी हूँ, बात भी करी बच्चे से, उनकी वालदा से भी बात करी और गैर जरूरी के एरिया के अंदर बोले कि बच्चा सीरियस है। अलहमदिल्ला कोई बात नहीं है, सीरियस नहीं है बच्चा, बहुत नॉर्मल है और मैं बच्चे से अभी बात भी करी हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं MLA साहब को भी बोली हूँ, अभी इतला दी हूँ। इंशाल्लाह MLA साहब अभी आउट ऑफ है औरंगाबाद में, इंशाल्लाह आए बातें मैं इलाके उनकी वालदा से मिलाऊँगी। और गैर जरूरी के इशू बना रहे कि बच्चा सीरियस कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में नहीं है। अलहमदिल्ला मैं बात कर रही हूँ, उनकी वालदा से भी मिली हूँ। गैर जरूरी के दूसरे चैनल्स वाले तमाशा बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चा। अभी मैं जैसे MLA साहब को भी अभी इतला दी, इंशाल्लाह कल या परसों MLA साहब आए तो मैं लाके मिलूँगी। इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज करेंगे बच्चे को, अलहमदिल्ला ठीक है बच्चा। डॉक्टर क्या बोले? डिस्चार्ज कब तक कर रहे हैं? अच्छा, बच्चे को काम आने लगा? रिपोर्ट वगैरह निकाले आप? तो पूरा नॉर्मल है, नहीं कुछ है? आप खुल के बोलो भाजी। अच्छा, आपके बच्चे का नाम क्या है? एज? आप कहाँ रहने वाले हैं? कामरान ग्रुप्स, आर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ।
अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप। कामरान ग्रुप्स इंटीरियर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन बिलो।